हाय फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बात भी बहुत अच्छे और मैं हूँ राज। आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल बरासत बाग फीडर। तो आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के ऊपर। मैं कौन सा कैल्शियम यूज करता हूँ फिंजर्स के लिए, बजिस के लिए, कॉकटेल के लिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आपको दिखाएंगे। और उसका ऑल्टरनेट कुछ मेडिसिन अगर है तो वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। और ये है वो कैल्शियम जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत दिन से, लगभग ये मैं 5 से 6 साल तक इसको कंटिन्यू यूज़ करता हूँ। और मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बोल सकता हूँ यहाँ का, हाँ भाई मेकल भी जो सिरप मिलता है मार्केट में, ह्यूमन का मेडिसिन है, मतलब इंसानों का मेडिसिन, और यूज़ कराए तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इसका नाम जो है मैकल भी सिरप है और इसका दाम अभी 268 मैंने 168 इसका प्राइस है। ठीक है, आपको थोड़ा तो कम मिल जाएगा, जैसे कि हर दुकान में वेस्ट बंगाल की बात करो, हर दुकान में 10 से 15% डिस्काउंट मिलता है ह्यूमन के मेडिसिन के ऊपर। तो वेस्ट बंगाल में किसी अगर कोई लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या ऑनलाइन से भी आप ले सकते हो। ऑनलाइन में भी ये सिरप भी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा कैल्शियम है, इसके अंदर कैल्शियम के जो सारे ग्रुप हमको बात के लिए चाहिए या अवेलेबल है मार्केट में, सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स किया हुआ है। और इसके अंदर विटामिन D3 भी दिया हुआ है जो कि हमें धूप से मिलता है, जिसका सेटअप जिस फैन का सेटअप घर के अंदर है उनके लिए तो अलग से D3 यूज़ करना पड़ता है धूप की कमी को यूज़ करने के लिए। लेकिन इस सिरप में जो है विटामिन D3 भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो इसलिए आप ये सिरप जो है, इसका नाम है मैकल वीट और इसका अच्छी तरह से पोस्ट में थंबनेल में दे दूंगा ये इसका तस्वीर कैसे दिखता है, आपको अगर लेना हो तो ले सकते हो। ये 180 ml का मुझे कितना पड़ा था, मेरा खुद का, मतलब मैं जिस दुकान पे काम करता हूँ मेडिसिन वहाँ से लिया था, ऑनलाइन में पेमेंट किया था, कितना लिया मुझे सही से नहीं याद नहीं है, बहुत दिन पहले लिया। तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे मेडिसिन है। और इसका ऑल्टरनेट में जो मेडिसिन मार्केट वेटनरी में आता है कैडिसोल D3, उस जो लोग मुझे पूछता है कि भाई हम लोग कौन सा कैल्शियम यूज़ करें बजिस के लिए, कॉकटेल के लिए, सिंथेस के लिए, तो सबको मैं एक ही बोलता हूँ, इंसानों का अगर लेना चाहते हैं तो मैकल बिट सिरप लो, और वेटनरी में जाना चाहते हैं तो आपको कैडिसोल DC, कैडिसोल DC भी बहुत सारे मतलब 100, 200 या 500 एक लीटर में अवेलेबल है, लेकिन मैं कैडिसोल DC ज़्यादा नहीं लेता। तो बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि भाई तुम वो जो ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम आता है, उसके बाद ह्यूमन का एक कैल्शियम आता है ऑस्ट्रो कैल्शियम प्लस, वो सब क्यों नहीं यूज़ करते। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है मेरे पास जो आपको बताऊंगा, तो आप भी सोचेंगे कि वहाँ हम वो लोग वो जो मेडिसिन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो वो जो ऑस्ट्रोवेट हो गया, बहुत हम लोग यूज़ करते, बहुत बड़े बड़े ब्रीडर यूज़ करते ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम, और उसके साथ वो ह्यूमन का इंसानों का मेडिसिन जो है ऑस्ट्रो कैल्शियम प्लस हो गया, ऑस्ट्रो कैल्शियम हो गया, ये सारा मेडिसिन ना गाढ़ा होता है, वो सिरप नहीं होता, लिक्विड नहीं होता, सॉरी लिक्विड तो होता है लेकिन वो सिरप नहीं होता, सस्पेंशन होती है, जिसकी वजह से पानी में मिक्स करने के बाद वो सिरप जो है पूरा मेडिसिन जो पानी के नीचे गिर जाता है। और बात तो पानी पीता है हम जिसमें पानी देते हैं उसके ऊपर से, तो उनके शरीर में कैल्शियम इतना ज़्यादा नहीं जाता, जिसकी वजह से हम ये कैल्शियम आप ले सकते हो, ये लिक्विड है, पानी में मिक्स करने से पानी में पूरा मिक्स हो जाएगा और बास के शरीर में इजीली चला जाएगा। ठीक है, जहाँ से भी थोड़ा सा पानी पिएगा बास के शरीर में इजीली चला जाएगा। ये कैल्शियम और मैकल विट और कैडिसोल डी आप कुछ भी ये दोनों कैल्शियम आप यूज़ करेंगे तो ये लिक्विड टाइप का है और बास के शरीर में जाने में आसानी होगी। आप अगर ऑस्ट्रोवेट यूज़ करेंगे तो आपको सॉफ्ट फूड में मिक्स करना होगा, नहीं तो ऑस्ट्रोवेट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले मैं कैडिसोल DC यूज़ करते हुए बहुत उसके बाद ये मैकल वीट लिया, अभी तक ये मैकल वीट यूज़ कर रहा हूँ। इससे ज़्यादातर कॉकटेल को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कॉकटेल का हर एक केज में मुझे ब्रीडिंग मिलता है, फिंचेस का भी मिलता है, बजिस का, मतलब सब प्यार अच्छी, कैल्शियम का कमी नहीं होता। तो कैल्शियम का कमी हो रहा है आपके सेटअप में कैसे आप समझेंगे वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। को 2-3 ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे, वो सारा चीज़ अगर आपके अगर होगी आपके किसी बात का होगी तो आप समझ लेना कि उन प्यार को कि उस पार्टिकुलर बात को जो है कैल्शियम का कमी हो रही है, तब जाके आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है आपका बाज हर बार ब्रीड करते हैं लेकिन हर ब्रीड में 2 से 3 अंडा देता है, जैसे कि फिंचेस तो 5, 6, 7, 8 करके अंडा देता है, लेकिन कैल्शियम का कमी होने के वजह से वो 2-3 अंडे भी दे सकता है। ठीक है, या आपके पास कंटिन्यू हर ब्रीड में 2 या 3 अंडे दे रहे हैं तो आप समझ लेना उसके शरीर में कैल्शियम का कमी हो चुका है। और दूसरा जो है
अंडे दे रहे हैं, लेकिन अंडे को अंडे का जो छिलका है ना वो एकदम नरम हो रहा है, ठीक है, अंडा जम नहीं रहा, अंडे का जो खोल है ना बाहर का खोल वो सख्त नहीं हो रहा, नरम हो रहा है और रबर का बॉल टाइप का हो रहा है और नीचे गिर के खराब हो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से हो सकता है कि बाढ़ का कमी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है बाढ़ का फेदर उठ जाना। तो ठीक है, आप देख सकते किसी प्यार का पार्टिकुलर प्यार का जो फेदर गिर रहा है और फेदर किस सीने के यहाँ से फेदर पंख थोड़ा उठ चुका है, सिर के ऊपर से थोड़ा पंख उठ गया है और गंजा टाइप का दिख रहा है, तो आप समझ लेना कि उसके शरीर में कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, मतलब कैल्शियम का कमी हो चुका है। तब जाके आप ये मेडिसिन कैटिसोल डीसी या मैकल्बिक आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।